तो हम न्यू चैप्टर में स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटॉमिक स्ट्रक्चर, दिस वन इज अ टॉपिक ऑफ फिजिकल, जिसमें हम चार मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। पहला है जे.जे. थॉमसन, रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल और वेव मैकेनिकल मॉडल। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स का सर्च कैसे हुआ है, ठीक है। तो इसको राइट डाउन कर लिए। करने के बाद अब स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हेडिंग डालो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी या पोस्टुलेट। पहले हम डाल्टन्स के बारे में पढ़ते हैं कि डाल्टन्स ने क्या क्या बताया था। बिल्कुल हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे इसमें कि इलेक्ट्रॉन का सर्च कैसे हुआ, प्रोटॉन का सर्च कैसे हुआ, न्यूट्रॉन का सर्च कैसे हुआ। तो बिल्कुल स्टार्टिंग में हेडिंग डालना डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी या डाल्टन्स एटॉमिक पोस्टुलेट। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, या इसको हम बोलेंगे पोस्टुलेट। डाल्टन्स का दो तीन पॉइंट हम लिखते हैं इसमें, क्या क्या बताया था राइट डाउन करो। द मैटर इज मेड ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम, विच कैन टेक पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले हम डाल्टन्स का पोस्टुलेट पढ़े, डाल्टन्स ने क्या क्या बताया था। तो डाल्टन्स का जो पहला पॉइंट है वो ये है कि कोई भी मैटर है, मैटर जानते हैं ना, कोई भी मैटर है वो किससे मिलकर बना हुआ है, एटम से बना हुआ है। और वो एटम क्या है, इंडिविजिबल है, मतलब उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसमें ईयर नहीं दिया, एक मैं पीडीएफ भेज दूंगा तुम लोगों। तो डाल्टन्स ने यह बताया कि कोई भी मैटर है वो एटम से मिलकर बना हुआ है, और वो एटम क्या है, इंडिविजुअल है। और वही एटम जो है वो किसमें पार्टिसिपेट करता है, केमिकल रिएक्शन में। लेकिन केमिकल रिएक्शन में कैसे पार्टिसिपेट करता है उसको नॉलेज नहीं था, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नॉलेज ही नहीं था, बस इतना बता दिया कि वही एटम जो है वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। जैसे NaCl बनाना हुआ तो सोडियम और क्लोरीन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो मिलके NaCl बना रहे हैं। तो NaCl किससे मिलके बना हुआ है, आयन से मिलके। अभी हम जानते हैं, तब के टाइम क्या बोलते थे, सोडियम एटम और क्लोरीन एटम मिलके क्या बना दिए, मॉलिक्यूल्स बना दिए, मैटर बना दिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट The atom of the same element are identical in size. The atom of the same element are identical in size, mass and in other properties in all respect। इसका मीनिंग क्या हुआ, the atom of the same element, इसे मान लो कोई भी एटम ले लेते सोडियम, उनके अंदर जो होगा वो आइडेंटिकल इन साइज, उनका साइज क्या है, आइडेंटिकल होगा, और मास भी क्या होगा, आइडेंटिकल होगा, ठीक है। तो ये डाल्टन्स का पोस्टुलेट है। थर्ड पॉइंट लिखना,
एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट differ from each other in their properties and mass. इसका मतलब क्या हुआ? अगर मान लो सोडियम है और ऑक्सीजन है, तो डिफरेंट अगर हम एटम लेते हैं तो इन डिफरेंट एटम का जो मास होगा वो डिफरेंट होगा। आज के टाइम तो हम जानते भी हैं दोनों का मास क्या होगा, तब के टाइम लोग नहीं जानते थे। दोनों एटम का मास और साइज क्या होगा? अलग अलग होगा, रेडियस अलग अलग होता है। आज के टाइम हम जानते हैं कि रेडियस अलग अलग होता है। तो डिफरेंट अगर एटम है तो मास और उसका साइज क्या होगा? डिफरेंट होगा। और सेम एटम है तो उसका मास और साइज क्या होगा? सेम होगा। लेकिन तब के पॉस्टुलेट है जब केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन कंबाइन इन सिंपल रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी अगर कंपाउंड बनता है तो हम उसको बैलेंस करते हैं ना। जैसे मान लो हमने बनाना हुआ Mg प्लस Cl2, तो ये क्या बना? MgCl2। तो ये 1:1 में है। अगर मान लो हमें सोडियम और क्लोरीन बनाना हुआ तो क्या बनाएंगे? NaCl। तो यहां बैलेंस कर देंगे तो यहां 1/2 लिख सकते हैं ना, या दूसरे तरीके से भी बैलेंस कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है ये अगर इसका 1 मोल यूज हो रहा है तो इसका कितना मोल यूज हो रहा है? 0.5 मोल। एक सिंपल रेशियो में ही, यानी जो हम रिएक्शन करते हैं बैलेंसिंग करते हैं तो उनका कॉम्बिनेशन क्या होता है? एक सिंपल रेशियो में माना जाता है। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ये डिफरेंट एलिमेंट है, कैन कंबाइन इन ए सिंपल रेशियो टू फॉर्म ए कंपाउंड। यानी एटम और एटम मिलकर क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड। क्योंकि उस समय एटम को, एटम के अंदर क्या है वो लोगों को मालूम नहीं था। बस डाल्टन्स को इतना मालूम था कि एटम है ये, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन है कि प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है वो सब मालूम नहीं था। उसके बाद नेक्स्ट लिखना, एटम कैन नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय। यानी एटम को नहीं तो बनाया जा सकता है, नहीं तो उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, तो 4 पोस्टुलेट हुआ ये डाल्टन्स का। लेकिन ये तब का पोस्टुलेट है जब लोगों को ये मालूम नहीं था कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसके अंदर है। तो पहला पोस्टुलेट क्या है इसका? कोई भी मैटर है वो किससे मिलकर बना हुआ है? स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल, और उस पार्टिकल्स का नाम क्या बोलते हैं? एटम। यानी कहने का मतलब है कि डाल्टन ने क्या बोल रहा है कि एटम को हम सब डिवाइड नहीं कर सकते, जो कि गलत था ना, ये पोस्टुलेट उससे गलत है, फिर भी हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्या था? कोई भी एटम हो, सेम एटम हो, तो उसका मास और उसका साइज क्या होगा? आइडेंटिकल होगा। तो आज भी हम जानते हैं कि सोडियम किसी के साथ कंबाइंड हो, कैसा भी कंबाइंड हो, उसका मास थोड़ा ना चेंज हो जाएगा। सोडियम का मास 23 होता है तो 23 थोड़ा ना चेंज हो जाएगा। थर्ड जो उसने बताया वो क्या बताया? कि डिफरेंट एलिमेंट है, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है,
ऑक्सीजन है, कोई अलग अलग एटम ले लिए, डिफरेंट एलिमेंट का मास क्या होगा? डिफरेंट होगा। और साइज क्या होगा? डिफरेंट। रेडियस अलग अलग होता है। आज के टाइम हम बोल सकते हैं ये कि उनका, लेकिन ये सब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का डिस्कशन नहीं हो रहा है। और लास्ट पॉइंट क्या था? एटम को नहीं तो क्रिएट किया जा सकता है, नहीं तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता। अब इसमें लिखना ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन्स थ्योरी। पहले हम डाल्टन से स्टार्ट किए, ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन्स थ्योरी। ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन्स थ्योरी, ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन्स थ्योरी, ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन्स थ्योरी। इसमें पहला पॉइंट लिखना, इट फेल टू एक्सप्लेन, अच्छा सोचो क्या क्या गलत बताया होगा इसने, डाल्टन्स ने क्या क्या गलत बताया? एटम इज इंडिविजिबल, ये भी गलत बताया उसने। तो पहला पॉइंट लिखना, इट फेल टू एक्सप्लेन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ है, प्रोटॉन कहाँ है, या है भी या नहीं है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सेकेंड पॉइंट लिखना, इट कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, इट कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट differ from one another and combined with one another। अब इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ? अब जैसे अभी हम समझते हैं कि सोडियम ऑक्सीजन से कैसे अलग है, तो सोडियम का मास अलग है, सोडियम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स अलग है, ऑक्सीजन का मास अलग है और इलेक्ट्रॉन्स अलग है, तो मास कौन डिफाइन करता है? आज के टाइम में क्या हम बोलते हैं मास के बारे में? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो मास दोनों में, उसने केवल इसने इतना ही बताया था कि दो डिफरेंट एटम का मास अलग अलग होगा और दोनों आइडेंटिकल नहीं होंगे, लेकिन कैसे नहीं होगा इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। बस इतना बता दिया कि दो एटम अलग अलग है, ये सोडियम और ऑक्सीजन, लेकिन कैसे अलग है वो, उनका साइज कैसे अलग है, वो कैसे एक दूसरे से रिएक्शन कर रहे हैं, इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा था? क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नॉलेज ही नहीं था। मास अलग अलग था लेकिन मास कौन डिफाइन कर रहा था इसको बारे में जानकारी नहीं था, इस चीज को एक्सप्लेन वो कर ही नहीं पा रहा था। पॉइंट को फिर से पढ़ना, इट कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यानी डिफरेंट एलिमेंट डिफर फ्रॉम वन अनदर, दो डिफरेंट एलिमेंट एक दूसरे से अलग कैसे है वो इसको एक्सप्लेन कर ही नहीं पा रहा था। सेकेंड पॉइंट लिख लेना, इट कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर फ्रॉम वन अनदर एंड कंबाइंड विथ वन अनदर, मतलब दो एटम कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है और कैसे एक दूसरे में अलग अलग तरीके से, जैसे NaCl बनाना हुआ तो अलग तरीके से NaCl बना, MgCl2 बनाना हुआ तो अलग तरीके से बना, तो उस चीज को तब ना एक्सप्लेन करेगा जब उसको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या होगा, नॉलेज होगा। तो डाल्टन्स को इस चीज का नॉलेज था ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इट फेल टू एक्सप्लेन It failed to explain
एक्सपेरिमेंट्स लाइक इट फेल टू एक्सप्लेन एक्सपेरिमेंट लाइक ग्लास और रब्ड विथ आर यू डबल बी डी रब्ड विथ सिल्क और फर इफ यू आर सिल्क और फर जेनरेट इलेक्ट्रिसिटी तो ये तो हम अपने डेली लाइफ में एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लो स्वेटर वगैरह पहनते हैं तो अगर फ्रिक्शन होता है तो क्या होता है इसमें, थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी ऐसा निकलता है ना। ऐसा क्यों होता होगा? वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, चार्ज की वजह से। तो चार्ज के बारे में तो उसको नॉलेज था ही नहीं, तो इस चीज को उसने लोगों ने पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, इस चीज को एक्सप्लेन वो नहीं कर पा रहा था। समझ में आ गया? कोई डाउट है? तो डाल्टन ने क्या क्या बताया, क्या क्या नहीं बताया? डाल्टन लॉ, मेरिट ऑफ डाल्टन लॉ, इसमें लिखना डाल्टन्स थ्योरी इज एबल टू एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो डाल्टन्स लॉ इज एबल टू एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इस चीज को 9th-10th में पढ़े होगे तुम लोग। जब हम कोई भी रिएक्शन बैलेंस करते हैं तो जब हम बैलेंस करें, जैसे मान लो NaCl बनाना हुआ, Na प्लस हाफ Cl2 और यहां क्या बना NaCl, तो लेफ्ट हैंड साइड का मास और राइट हैंड साइड का मास क्या हुआ था, इक्वल आता था। मास क्या है यहाँ पे? कंजर्व्ड है, मास कंजर्व है ना। हम यहां पर क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। तो डाल्टन ने रिएक्शन तो करवा देता था, रिएक्शन करवा के उसने ये भी बोला कि जितना मास रिएक्टेंट साइड होगा उतना ही मास किधर होगा, प्रोडक्ट साइड होगा। यानी LHS में जितना मास होगा उतना ही RHS में मास होगा। यानी लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन के बारे में बताया उसने। और ये चीजें हम फिर से पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट, तो उसने कैसे लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन के बारे में बताया, तो ये इसका मेरिट था। मतलब डाल्टन ये सही बताया था कि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन होता है। रिएक्टेंट साइड का टोटल मास अभी काउंट करके देख सकते हो यहाँ पे, जिसे इसका मास कितना होता है 23 और क्लोरीन का मास कितना होता है, 35.5। तो दो क्लोरीन है, 71 हो गया, तो एक ही क्लोरीन लेना हमें, तो यहाँ पर 35.5। यहां भी मास कितना हो जाएगा 23 प्लस, या मास कैसे है कंजर्व्ड है ना। चाहे यहां बना लो Mg प्लस Cl2, क्या बनाइए MgCl2। Mg का मास 24 और क्लोरीन का मास 71। इधर कितना हो जाएगा, उतना ही होगा 24 प्लस, मास क्या है कंजर्व्ड है। तो इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा था कौन, डाल्टन ने। लेकिन बाकी सारे चीजें क्या था इसका, गलत बताया था। तो पहला उसने डाल्टन ने अपना पोस्टुलेट बताया, तो ये है डाल्टन लॉ का पोस्टुलेट। तो एक दो क्वेश्चन इसमें से आएगा, समझ में आ गया ना।
आगे लिखना, अब इसके बाद जो एक्सपेरिमेंट हुआ ओ हमें ये मालूम चला कि एटम्स कैन बी सब डिवाइड, तो नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखना। अब ये पॉइंट हम डाल्टन्स का नहीं लिखवा रहे हैं, अब ये पॉइंट हम नॉर्मल केमिस्ट्री के अंदर लिखवा रहे हैं, तो लिखना नेक्स्ट पॉइंट कि एटम इज मेड ऑफ थ्री फंडामेंटल पार्टिकल, एटम इज मेड ऑफ थ्री फंडामेंटल पार्टिकल, थ्री फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एटम इज मेड ऑफ थ्री फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आगे लिखना एटम इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, एटम इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, एटम इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, एटम इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। ठीक है, तो डाल्टन्स के समय सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं किसका, डाल्टन्स में। डाल्टन्स ने बोला कि हम एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन आगे चल के एटम को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसको ऐसे लिख लो, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और भी पार्टिकल होते हैं लेकिन मेन थ्री फंडामेंटल माना गया है, पॉजिट्रॉन भी होता है मिजोन भी होता है, लेकिन मेन हम थ्री फंडामेंटल बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलके क्या बने, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलके क्या बना, और एटम और एटम मिलके क्या बनेंगे, मॉलिक्यूल्स। इसको ऐसे लिख लो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलके एटम बना, और एटम और एटम मिलके मॉलिक्यूल्स बनेंगे, एटम और एटम मिलके मॉलिक्यूल्स बनेगा। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ वो हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहले देख लो, इसके बाद हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवरी कैसे हुआ। ठीक है, मैं एक पीडीएफ भेजूंगा, उसमें से राइट डाउन करना। ये 1987 का है, तो पहले लिखना नहीं है, ध्यान से सुनना। अब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये 1847 का है, 1897 का है, 1897 में डिस्कवरी हुआ था। किसने किया था, जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का सर्च किया था। तभी लिखना मत, अभी ध्यान से सुन लो। अब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे किया गया, तो उसके लिए पहले एक सेटअप बनाया गया। एक ग्लास ट्यूब लिया गया। इस ग्लास ट्यूब में यहां पर एक वैक्यूम ट्यूब लगाया गया, ताकि इसके अंदर कोई एयर के पार्टिकल्स ना रहे। तो यहां पर एक वैक्यूम ट्यूब लगाया गया, सबसे पहले इसके अंदर जितने भी एयर थे उसको, एयर को निकाला गया। समझ में आ गया। अब एयर को निकालने के बाद इसके अंदर 0.01 mm ऑफ मर्क्यूरी, इतना प्रेशर पर कोई गैस भरा गया। चलो हम ले लेते हैं हाइड्रोजन गैस को, भर दिया गया। बहुत कम प्रेशर पर
हाइड्रोजन गैस को यहां भर दिया गया, कोई भी हम गैस ले सकते हैं। तो ये हमने एक ग्लास ट्यूब उसने सेटअप बनाया, एक ग्लास ट्यूब लिया। अब ग्लास ट्यूब के अंदर एक वैक्यूम पंप लगाया, सबसे पहले इसके अंदर से जितने भी एयर थे उसको निकाला। निकालने के बाद हाइड्रोजन गैस को या कोई भी गैस को 0.01 mm ऑफ मर्क्यूरी प्रेशर इसके अंदर रखा। ये रखने के बाद यहां पर दो रॉड लिया। अब इस रॉड को एक्सटर्नल सर्किट से उसने जोड़ा, एक्सटर्नल सर्किट से उसने ऐड किया। अब मान लो कि गैस इसके अंदर नहीं है, अभी हटाते हैं। अब ये जो बैटरी का पॉजिटिव पार्ट है और ये क्या है, तो इस पॉजिटिव पार्ट को इसके पॉजिटिव से जोड़ा और इस जो इलेक्ट्रोड है इसको बोल दिया गया एनोड। एनोड मालूम है ना, इस रॉड को क्या बोल दिया गया एनोड। एनोड पे चार्ज क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। और इस नेगेटिव चार्ज को इस रॉड के साथ जोड़ा गया, इसको क्या बोल दिया गया कैथोड। तो सबसे पहले जे.जे. थॉमसन ने एक सेटअप बनाया जिसमें ग्लास ट्यूब लिया, ग्लास ट्यूब के अंदर से जितने भी इसमें एयर के प्रेशर थे वो सब निकाल दिए। एयर को निकालने के बाद 0.01 mm ऑफ मर्क्यूरी प्रेशर को हाइड्रोजन गैस को भरा गया, कोई भी गैस ले सकते हैं। एक्सटर्नली वायर से यहां पर दो रॉड को कनेक्ट किया गया, पॉजिटिव पार्ट को पॉजिटिव से कनेक्ट किया गया जिसका नाम रख दिया गया एनोड, नेगेटिव पार्ट को नेगेटिव से कनेक्ट किया गया जिसका नाम रख दिया गया कैथोड। अब मुझे ये बताओ कि क्या जब मैं यहां से करंट पास करवाऊंगा तो इसमें करंट पास होगा, होगा कि नहीं होगा, करंट पास नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कभी भी करंट पास करने के लिए सर्किट क्या होना, क्लोज होना। क्या यहां से लेके यहां तक सर्किट क्लोज है क्या, नहीं है। यहां से लेके यहां तक तो वायर तो है लेकिन यहां से यहां तक सर्किट क्लोज नहीं है। अब जैसे हमसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि गैस को क्यों भर रहे हैं, उसका अब जवाब सुन लो। अब यहां पर सर्किट मान लो हमने वायर लगा दिया या टॉर्च की बैटरी या मोबाइल की बैटरी है, जब तक सर्किट क्लोज नहीं होता है तब तक करंट तो पास होता नहीं है। मान लो हमने दो रॉड ले लिया और दो रॉड को हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इलेक्ट्रोलाइसिस पड़े होगे तुम लोग, क्या इसमें करंट पास होगा, अभी तक नहीं होगा। लेकिन जब इसके अंदर सॉल्यूशन में डिप कर देंगे, सॉल्यूशन में डालेंगे तब जाके ये करंट प्रोड्यूस होने लगता है। क्यों होने लगता है, क्योंकि यहां से लेके देखो अगर केवल रॉड है, ये रॉड में करंट पास हो रहा है, ये ग्रेफाइट का भी रॉड हो सकता है, कॉपर का भी रॉड हो सकता है। अब इस रॉड में अगर हम बाहर से करंट पास करवाएंगे तो क्या करंट पास होगा क्या, यहां से यहां तक सर्किट क्लोज है क्या, नहीं है ना, सर्किट क्लोज होना चाहिए। तो यहां से यहां तक सर्किट क्लोज करने के लिए हमने क्या किया, सॉल्यूशन में इसको डिप किया, जिसे मान लो NaCl का सॉल्यूशन है। तो अब इसके अंदर Na प्लस और Cl माइनस वो यहां से लेके यहां तक सर्किट को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। यानी वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चार्ज को क्या करते हैं, कैरी करते हैं, यानी करंट को वो कैरी करेंगे। लेकिन सॉल्यूशन के अंदर कौन चार्ज को है, करंट को, सर्किट को क्लोज करेगा, सॉल्यूशन के अंदर कौन सर्किट को क्लोज करेगा। अब मान लो ये है एनोड और ये है कैथोड, एनोड पर चार्ज क्या होगा, कैथोड पर चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। अब ये प्लस चार्ज है तो ये रॉड पे प्लस चार्ज है तो इधर कौन भागेगा, इधर क्लोरीन आएगा क्योंकि प्लस को कौन अट्रैक्ट करेगा, और इस पे चार्ज क्या है माइनस, इधर कौन अट्रैक्ट होगा। तो सॉल्यूशन में से ये एनायन इधर भागेंगे और केटायन उधर भागेगा और इस तरह से सर्किट को क्या कर देता है वो,
क्लोज करेगा। तो वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट को कैरी करने के लिए। अगर ये वायर यहां पर हम ओपन कर देंगे तो ये करंट फ्लो नहीं होगा, होगा क्या? अब मान लो ये रॉड ले लिया हमने, लेकिन यहां से यहां तक सर्किट क्लोज नहीं है, तो क्या करंट पास होगा? नहीं। लेकिन सॉल्यूशन के अंदर डिप करते ही करंट क्या हो जाता है? पास होने लगता है। यानी अगर यहां पर हम बल्ब जलाते हैं तो जलने लगेगा। इसका मतलब सॉल्यूशन के अंदर कौन रिस्पॉन्सिबल होता है करंट को कैरी करने के लिए? आयंस। केटाइन इधर भागेगा, केटाइन मूव्स टुवर्ड्स कैथोड, क्योंकि कैथोड पे चार्ज क्या है? निगेटिव। तो केटाइन इधर भागेगा और एनोड पे चार्ज क्या है? एनोड की तरफ कौन भागेगा? एनोड की तरफ एनायन, ए फोर एनोड, ए फोर एनायन, याद रखना, ठीक है। और कैथोड की तरफ कौन भागेगा? केटाइन, सी फोर केटाइन और सी फोर कैथोड, याद रखना दोनों। इधर केटाइन भागेगा, इधर एनायन भागेगा, और भागेगा मतलब वो सर्किट को क्या करेगा? क्लोज करेगा। कोई डाउट इसमें? तो वायर के अंदर जैसे फैन चल रहा है, तो इसके अंदर सर्किट क्लोज हो रहा है ना, तब ना फैन चल रहा है। अगर सर्किट मान लो लूज कनेक्शन हो गया तो क्या सर्किट क्लोज होगा क्या? नहीं। और सॉल्यूशन के अंदर कौन रिस्पॉन्सिबल है? आयंस। अब ध्यान देना यहां पे, ये देखा गया एक्सपेरिमेंट में कि जब इसके अंदर से वैक्यूम बनाया गया, मान लो कोई गैस अभी भरा नहीं गया, वैक्यूम बनाया गया और इस एनोड से और इस कैथोड से वायर को क्या किया गया? कनेक्ट किया गया। और यहां से मान लो वोल्टेज पास कराया गया, बैटरी से मान लो 10,000 वोल्ट पास करवाया हमने, या कितना भी वोल्टेज हम पास करवा रहे हैं, तो क्या सर्किट क्लोज होगा क्या? यहां तो वायर भी नहीं है और सॉल्यूशन भी नहीं है, सर्किट तो क्लोज होगा नहीं, नहीं होगा ना। तो ऐसा देखा गया, मान लो इसमें 10 वोल्टेज पास करवाया गया, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, 10 वोल्ट पास कराया गया, करंट पास नहीं हुआ, इसके अंदर थोड़ा सा गैस भी भर दिया गया इतना प्रेशर पे, तो अभी करंट पास नहीं हो रहा था। वोल्टेज को बढ़ाया गया 100 वोल्ट कर दिया गया, फिर भी करंट पास नहीं हुआ, क्योंकि हवा में करंट थोड़ा ना पास होगा, एयर में करंट पास होता है क्या? नहीं। सॉल्यूशन में हो सकता है, मेटल में हो सकता है, लेकिन हवा में कैसे करंट पास होगा? यहां से यहां तक कोई मीडियम नहीं है, मीडियम चाहिए ना, या तो वायर कनेक्ट करना पड़ेगा या तो सॉल्यूशन रखना पड़ेगा, हवा में थोड़े करंट पास हो जाएगा। तो एयर है यहां पर, कोई ओपन है बिल्कुल, और ये ग्लास का ट्यूब है, ये तो इसको सर्किट को क्लोज करवा नहीं रहा है। अब 100 वोल्ट दिया गया, 500 वोल्ट दिया गया, फिर भी करंट पास नहीं हुआ, 1000 वोल्ट दिया गया, फिर भी करंट पास नहीं हुआ, 5000 वोल्ट पास करवाया गया, फिर भी करंट पास नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे वोल्टेज और बढ़ाता चला गया और बढ़ाते चले गए, जैसे ही 10,000 वोल्टेज दिया गया, वैसे ही देखा गया कि करंट पास होने लग गया। यानी बहुत हाई वोल्टेज जब पास कराया गया तो हवा में भी करंट पास होने लग गया। अब इसके अंदर क्या हुआ होगा? कम वोल्टेज पे यहां से यहां तक सर्किट क्लोज नहीं हो रहा था। अप्रोक्स 10,000 जब वोल्टेज दिया गया तो ये ऑब्जर्व किया गया कि इसके अंदर जो एटम है गैस के, कोई भी एटम ले सकते हो, हीलियम भी ले सकते हो, चलो हीलियम ले लेते हैं, हीलियम लगेगा कि एटम के जैसा है, ये हीलियम हमने ले लिया, कितने प्रेशर पे? इतना। जब कम वोल्टेज पास करवाया जा रहा था तो ये करंट को, सर्किट को क्लोज नहीं कर रहा था, लेकिन जब बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया गया, लगभग 10,000 वोल्ट इतना जब पास करवाया गया, तब ये चीज ऑब्जर्व किया गया कि यहां से यहां तक सर्किट क्या हो रहा है? कंप्लीट हो रहा है, यानी सर्किट क्लोज हो गया, यानी सर्किट हवा में भी कंप्लीट हो रहा है। यानी सॉल्यूशन में तो होता ही है, वायर में तो होता ही है, लेकिन एयर में भी गैस में भी सर्किट क्या हो गया? क्लोज हो गया। आखिर क्या हुआ होगा कि सर्किट क्लोज हो गया होगा?
क्या हुआ होगा इसके अंदर, जैसे अब ध्यान से सुनना, जैसे ही हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया गया होगा, ये एटम क्या हुए होंगे, जो हीलियम के एटम है, अभी लिखना मत पहले समझ लो, हीलियम के जो एटम है वो क्या हुआ होगा, आयोनाइज हुआ होगा, क्या हुआ होगा, आयोनाइज, इसके अंदर से पार्ट टूटे होंगे, और जब ये पार्ट टूटा होगा तो हीलियम अपना दो इलेक्ट्रॉन्स निकाल के हीलियम प्लस टू बना होगा, और ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां तक क्या हुए होंगे, यही सर्किट को क्लोज करवा रहा होगा। हम पढ़ रहे हैं एक्सपेरिमेंट ऑफ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो सबसे बड़ी बात यह है कि सर्किट को क्लोज किया किसने, तो इस चीज को ऑब्जर्व किया गया कि जब हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया गया होगा, तो हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ लिए हैं कि एटम को आयनाइज किया जाता है, एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना, मान लो उस समय लोगों को मालूम नहीं था कि एटम से इलेक्ट्रॉन भी है, तो हुआ क्या होगा सोचो, तो इलेक्ट्रॉन्स एटम में से कैसे निकलते हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पढ़ाया कि हम एनर्जी देते हैं और एनर्जी दे के उसमें से इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन्स आयोनाइजेशन में भी पढ़े ना, तो वो आयोनाइजेशन एनर्जी किस टर्म में हो सकता है, अब मान लो सोडियम में से इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, तो सोडियम में से सोडियम प्लस बनाना है, सोडियम से क्या बनाना है, सोडियम प्लस बनाना है, तो यहां पर कौन सा एनर्जी दोगे, हीट भी दे सकते हैं, अगर सनलाइट है, सोलर पैनल में अल्कली मेटल में पढ़ाया था सीजियम के अंदर, सोलर पैनल के अंदर जो ये सनलाइट में ही उसके इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, बाहर निकलने लगते हैं, तो कहने का मतलब जो सनलाइट में सफिशियंट एनर्जी है उस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए, हम हीट भी देते हैं या हम करंट भी दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी करंट देंगे तो करंट ये टाइप ऑफ एनर्जी है वो टाइप का, तो कहने का मतलब ये है कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो बोलते हो, आयोनाइजेशन एनर्जी वो हीट के टर्म में भी हो सकता है, सनलाइट के टर्म में भी हो सकता है और करंट के टर्म में भी हो सकता है, तो वो काम यही पर हुआ होगा कि जब 10,000 वोल्टेज दिया गया होगा तो इसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे यानी एटम्स क्या हो गए होंगे, टूट गए होंगे, ब्रेक हो गया होगा, आयनाइज्ड हो गया होगा, क्योंकि एटम करंट को कैरी नहीं करते हैं, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैरी करते हैं, तब के लोगों के टाइम मालूम नहीं था, तो जैसे ही 10,000 वोल्ट दिया गया तो ये ऑब्जर्व हुआ कि सर्किट क्लोज हो गया, तब इस चीज का कंक्लूजन निकाला गया कि आखिर सर्किट क्लोज किसने करवाया, तब समझ में आया कि जो एटम लिया गया है इसके अंदर गैस के अंदर वो आयनाइज्ड हुआ होगा, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकले होंगे और वही इलेक्ट्रॉन जो है यहां से लेके यहां तक के सर्किट को क्या किया होगा, क्लोज किया गया होगा, समझ में आया गया, वही जो एटम क्या जो इलेक्ट्रॉन होंगे वही क्या किया होगा, सर्किट को क्लोज किया होगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स किधर भाग रहे होंगे, एनोड की तरफ, क्योंकि इसका चार्ज क्या है, निगेटिव, समझ में आया, अब ध्यान से सुनना अगला, तो वैक्यूम क्यों बनाएगा, समझ में आ गया, क्योंकि एटम को क्या करना था, तोड़ना था, लोग ये मानना था कि एटम टूट नहीं सकता है, लेकिन यहां को एटम इतना हाई वोल्टेज देके क्या कर दिया गया, तोड़ दिया गया, आयनाइज कर दिया गया, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी जिसको हम बोल सकते हैं, ये आयोनाइजेशन एनर्जी का काम किया। अब क्या हुआ इसके अंदर, यहां पर अब ऑब्जर्वेशन ये आया कि एक कैथोड से लाइट निकला, अब ध्यान से सुनना, एक जब 10,000 वोल्टेज पास कराया गया तो एक लाइट निकल रहा था और ये लाइट दिख नहीं रहा था, ये लाइट को इधर से एक ग्लो करने के लिए यहां पर एक जेडनेस टाइप का मटेरियल लगाया गया, तो जेडनेस का प्रॉपर्टीज ये होता है कि कोई चीज जब इससे कोलाइड होता है तो ग्लो करने लगता है, क्या करने लगता है, ग्लो करने लगता, तो जेजे थॉमसन को जब 10,000 वोल्टेज दिया तो यहां से एक लाइट निकला हुआ दिखा और ये लाइट यहां पर ग्रीन कलर का ग्लो करते हुए दिख रहा था, वो लाइट इधर नहीं दिख रहा था, वो लाइट इनविजिबल था लेकिन यहां पर ग्लो करते हुए दिख रहा था, ठीक है, तो
उसको जे थॉमसन को इतना बात एक्सपेरिमेंट में मालूम चला, अब कंक्लूजन क्या लेगा हम बाद में बात करेंगे। समझ में आ गया? कोई डाउट है तो कंक्लूजन हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे।